Hey friends, good morning. Welcome back to my channel, Reshmi's Lifestyle. मैं कीने वो. Wait. मेरे पास कुछ है जो मैं लूँगी. So hey friends, good morning. Welcome back to my channel, Reshmi's Lifestyle. तो आज एक छोटा सा ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. आस्ते बाल. केटे उधर कोड़े बाल. Hey friends, good morning. Welcome back to my channel, Rashmi's Lifestyle. So, आज एक नया दिन है, नया ब्लॉग लेके मैं आ गई हूँ. आज का ब्लॉग मैं 12:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ. तो चलिए दिन को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन हमेशा सबसे पहले मिल सके. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड द डे. सो क्या है ना, आज एक छोटा सा ब्लॉग मैं शेयर करूंगी. छोटा छोटा हम लोगों का प्लान है तो वही मैं शेयर करूंगी. आज मेरा भाई और भाभी मेरे घर जाएंगे और हम लोग सिनेमा वगैरह ये सब देखेंगे. और यहाँ पर मेरी मम्मी को देखिए कितना सुंदर से अलमारी सजा के रखती है. मेरा कुछ साल शादी हुआ है लेकिन मैं इतनी सुंदर से सजा नहीं पाती, लेकिन मम्मी को देखिए बहुत सुंदर से सजा. और यहाँ पर 5 बच्चों पर्यंत अलमारी भागे भागानी छिल मम्मा. हेलो मम्मा. 20 बच्चों ठीक हो गई वही एकटाई डायलॉग मेरे सारा कौन हाय चलिए. ब्रेकफास्ट हम लोगों का कंप्लीट हो गया. जॉय अभी आएंगे, अभी तक निकले नहीं है वो वहाँ से काम से लौट के फिर आएंगे. और यहाँ पर मेरा भाई ना जनायु बनाएगा. किसके लिए? मेरे हस्बैंड के लिए. तो वो खुद से बना सकते हैं, मैं दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं वो. ठीक है, तो चलिए फिर मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से बात करूंगी. ब्रेकफास्ट हम लोगों का कंप्लीट हो गया है. हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में क्या खाया है? रोटी और आलू के भजिए और मिठाई. और मिठाई मैं नहीं बोल रही हूँ, इसमें से मम्मी क्या बोल रही है देखिए. तो चलिए थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों से बात करूंगी. बाय बाय फॉर नाउ. सो ये देखिए, ये रेडी हो गया है. टीटू एक बार देखा तो कि ओके. एक बार लुक दिखा दो. ओ मेरा धूती बाबू, अरे धूती बाबू. सो ये ना आप जनायु बनाएंगे जिसको हम लोग पोइते बोलते हैं. अब आप लोगों को बता दूँ, ये ना ठाकुर वगैरह किसी भी ठाकुर वगैरह की पूजा भी कर सकता है अच्छे से. इसको सब आता है, सीखा भी है, इस वजह से ये भी सीखा है उसने. सो ऐसे वो बनाते हैं मंत्र वगैरह, ऐसे उच्चारण करके गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है. और इसका जो गीत बांधना होता है ना वो ही इम्पोर्टेंट होता है. तो कैसे होता है ये अब मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दे रही हूँ, आप लोग देखिए. चलो ये देखिए बन गया एक. अरे मैं पाकी नहीं हूँ. ना पाकर ना टांगना तक जो ऐसे पड़ने पे. सो एक बन गया और एक बना रहे हैं. ये देखिए वो करे, मैं फिर जाती हूँ दूसरी जगह. चलो तो थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी. शूतोपा नहीं है, उसका बैच है ट्यूशन्स का, वो पढ़ाने गई है. जॉय भी अभी तक नहीं आए लेकिन घर से निकल गए हैं. यहाँ पर देखिए 1 बजने को है. तो चलिए मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से बात करूंगी जब जॉय आएंगे. हाय. सो मम्मी खाना बना रही है और मेरे पास ना कुछ काम नहीं है ना, इस वजह से ये चाहिए वो चाहिए ये करके मम्मी को डिस्टर्ब कर रही हूँ. तो यहाँ पर ना मम्मी का आलमारी देखते देखते यहाँ पर मुझे बेलून मिला है, मतलब गुब्बारे मिला है. तो सोच रही हूँ कि उसको ही फुलाऊँ. तो चलिए फिर मैं गुब्बारे फुलाती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी. ठीक है चलो. सो जॉय आ गए हैं पूरा. तो गुब्बारे से वेलकम किया. आप गुब्बारे को फटा दो. गुब्बारे से स्वागत नहीं करोगे हमारा? बॉडी बिल्डर ये क्या हो रहा है जीतू? ये बॉडी हो गया जॉय का. एवर फटा भी ते बड़ा चांदे को देखी.
তারপরে আমি দোকানে গেলাম মজা পাবো তার মধ্যেও ঢুকে পড়েছে বেশি অর্থাৎ ফিরে রাখে একটু বেড়ে গেলাম তারপরে গেলাম কি হচ্ছে বিয়েগুলো আমি যেগুলো ফাটিয়েছো সেগুলো তোলো আমি যেটাকে কি হচ্ছে আমি কি মেঝে থেকে তোলো মাগানি ঝাড় দিতে হবে বাবা চাকর লাগে তোরা করেছিস তোরা ফাটাচ্ছিস তোরা এই নিজে ফাটিয়েছিস সুতবা হ্যাপি অলি জল নোক দিয়ে ওই মাথাটা টিপে ধরে ফাটা হ্যাঁ ওই দেখ ওই দেখ ওই দেখ টেকনিক দেখ तो चलिए अब लंच कर लेते हैं तो दिखाती हूँ मैं लंच में क्या है आज दाल भात ऐसे ही है और जॉय के लिए मांस वगैरह ये सब होगा तो चलिए मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से बात करूँगी ये देखिए हमारा लंच आया है यहाँ पर आलू यहाँ पर ऑमलेट वहाँ पर चिकन है और ये भात दाल वगैरह ये सब आएगा और यहाँ पर शूतो है हाय और यहाँ पर बैंगन फ्राई है ये और ये आई लव दिस विद दाल भात तो पूरा जमे जावे हाय सो मैं तैयार हो गई हूँ अब मैं वापस जाऊंगी अब मैं वापस अकेले नहीं जाऊंगी मेरे साथ जॉय जाएंगे मेरे साथ टीटो जाएगा मेरे साथ शूतो भी जाएगा ये देखो तो हम लोगों का थोड़ा सा प्लान है वो प्लान हम लोग क्या है प्लान व्हाटएवर द प्लान विल बी वी विल नॉट गो डिस्क्लोज इट नाउ तो चलो चलते हैं बोसो बोसो हाय मामा कैसे हो हाय मामा मामा के तू ठीक है से आप ठीक है तबीयत ना तो भी ठीक है तो भी बुझते मेरी चीज हमें फीलिंग्स से बुझते मेरी चीज টিটো আমরা যখন চারটে সেট চলে যেতাম টিটো আর শুটবাগের রাতেও ভাবতাম ওরা বেশ ভালো থাকবে আনন্দে ও তোমার ভালো লাগছে না ও আচ্ছা মা টিটো আর শুটোকে লেকে মে যা রই মমি কো আচ্ছা নেই লাগ রে ইস ওয়জে সে বাবা কে বল রই থি কি তুমি তো 7টা বাজলেই উঠে যাবে চলো না আর কি কি রিঅ্যাকশন মানে কাজে করবে না মাথা গরম নাকি তুলতে হবে না আমার আমি তো যাচ্ছি বাড়িতে সুতপা তো ঘুরতে যাচ্ছে ও তো সেজে গুজে যাবে না আমার শাশুড়ি আছে সো চলিয়ে ইসকো দেখি আবি তক তৈয়ার নেই হই আর 8 বাজে সে পেলে পৌঁছুঙ্গি নেই রে সুতো আর বাসে গাড়িতে চুটা আনলে নি বিছেরে দে সো চলিয়ে হাম লোক নিকল পড়ে হে আজ সামনে মেরা ভাই ব্যাঠা হে তো সো চলো হাম লোক সিনেমা হল যা রহে হে पहले हम लोग रेस्टोरेंट में जाएंगे वहाँ से पार्सल करेंगे अपना खाना उसके बाद नाइट शो देखेंगे फिर उसके बाद वापस घर जाके खाना खाएंगे क्योंकि जब तक ये ख़त्म हो जाएगा ना जब तक सिनेमा ख़त्म होगा तब तक 12:15 बज जाएगा तो तब कोई रेस्टोरेंट फाँका नहीं रहेगा खुला भी नहीं रहेगा इस वजह से चलिए चलते हैं सो अभी 7 बजे हैं और हम लोग पहुंच गए हैं सिनेमा में तो अभी तो कुछ नहीं है अभी सिर्फ मुझे करना है क्या टिकट को लेना है क्योंकि हम लोगों ने ऑनलाइन टिकट किया था विद प्रिंट आउट उसके बाद हमें थोड़ा सा शॉपिंग जाना है उसके बाद फिर मिलूँगी हाँ हाय सो अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए जाएंगे कुछ शॉपिंग करना है हम लोगों को उसके बाद फिर आके हम लोग क्या करेंगे चलो सो फाइनली 8 बज गया है और हम लोग पहुँच गए हैं क्या देखने सूर्यवंशी देखने यहाँ पर बहुत भीड़ है हम लोगों को लगा था कि इतना ज़्यादा भीड़ नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने जब टिकट काटा था तब सिर्फ पूरे के पूरे हॉल में सिर्फ 4 हम लोग ही थे अभी 90% बुक हो गया है तो चलिए फिर मैं वापस जब घर जाऊँगी फिर बात करूँगी
চলো বাই ফর নাও। हेलो, अरे तुम अभी तक ऑफिस में हो? सिनेमा बहुत अच्छा था, फिल्म सच में बहुत एंटरटेनिंग था। अभी हम लोग निकल जाएंगे, 11 बजने को है, ज़्यादा देर नहीं हुआ, 2.5 घंटे का सिनेमा है। 2 गाना तो काट ही दिया, अच्छा है, मज़ा आया। चलिए फिर घर जाके मैं बात करती हूँ, ठीक है? हो गया है, रात के 12 बज गए हैं अभी। आप देख पा रहे हैं क्या? नहीं, आप लोग नहीं देख पा रहे, तो क्या हुआ, देख नहीं पा रहे? ऊपर ये देखिए मेरे भाई को, तो चलो सोने के लिए रेडी। तो हम लोग आज रात को सोएंगे नहीं, हम लोग आज रात को जागरूकता करेंगे। अभी देखिए रात के 12 बज गए हैं और वहाँ मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। तो चलिए मैं आप लोगों से कल सुबह बात करूंगी। आज है ट्यूसडे, कल होगा वेनसडे। हम लोग घर गए थे सुबह को, कहीं काम था हम लोगों को वहाँ, तो इस वजह से हम लोग गए थे। तो सोचा वो काम हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते, माइंड इट। हेलो गाइस, सो आज का दिन सच में बहुत अच्छा बीता। सुबह मायके गई थी, फिर जॉय काम पे गए थे, काम से दोपहर को जॉय आए, टीटो श्रुतो भी आए, फिर हम लोग एंजॉय किया, खाना वगैरह खाए, फिर शाम को निकले वहाँ से, टीटो श्रुतो मैं जॉय एक साथ निकले, फिर हम लोग सिनेमा देखे, फिर हम लोग खाना खाए, फिर मस्ती किया, अब हम लोग सोने जा रहे हैं। अभी दोपहर रात के 3 बज गए हैं और हम लोग एक सिनेमा देख के अभी सोने जाएंगे। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए। सो मैं कल आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है? हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज नेक्स्ट डे है, मतलब आज है वेनसडे। तो अभी हम लोग गप्पे मार रहे हैं, तो हम लोगों का ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग बैठ के गप्पे मार रहे हैं। ये भी चला जाएगा थोड़ी देर बाद, और यहाँ पर ये है। तो बस आज का दिन ऐसे ही कटेगा, थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी, इसके बाद क्या दिखाऊँगी पता नहीं। इसके बीच में जगदार्थी पूजा भी आ गया है। जय जगदम्बे, and we're gonna visit some fantastic places and hopping some fantastic pandas, and the blogs definitely will be coming soon, so stay tuned and bye for now. Hello, तो सुबह के 10:30 बजने को है अभी। वो तो वो लोग जा रहे हैं क्योंकि उसका ऑफिस है, उसका स्कूल है। तो चलिए हम लोगों को सी ऑफ करके आते हैं। कहाँ है मेरा भाई, कहाँ है? चलो बाय, ज्यादा दिन नहीं, कुछ दिन बाद ही फिर मिलेंगे, चलते चलते ऑफिस अच्छे ना, बाय। हाय गाइस, तो दोपहर के 2 बज गए हैं, टीटो शुतो तो कब का चले गए हैं, इतना गला दर्द कर रहा है ना मेरा, ठंडा लग गया है मुझे, तबीयत भी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, कुछ खाने का मन नहीं है। जॉय अभी तक लौटे नहीं अपने काम से, वो लौट आए उसके बाद उसको खाना दे दूँगी, फिर थोड़ा सा सो लूँगी।
ये ब्लॉग पता नहीं मैं कैसे एंड करूँ, क्या दिखाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि कुछ दिखाने का और है नहीं। कल जो था दिखा दिया, तो ये ब्लॉग को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, एंड कर दूँगी। तो मैं शाम को आप लोगों से बात करूँगी विथ कॉफ़ी। हम लोगों को बहुत मज़ा आया पता है कल को टीटो शूतो के साथ सिनेमा, ना इतना अच्छा था, इतना एंटरटेनिंग था। और विद्या वाला ने बोला था ना कि सिनेमा एक ही चीज़ से चलती है, वो एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, फुल ऑन एंटरटेनमेंट था शुरू से लेके आखिर तक। बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप लोग चाहे तो आप लोग भी जाके देख सकते हैं सूर्यवंशी, मतलब आई स्वेयर आप लोग बोर नहीं होगी और अच्छा लगेगा। और क्या बताऊँ, और कुछ बताना नहीं है। फिर मैं आप लोगों से शाम के टाइम बात करूँगी विथ माई कॉफ़ी और चाय समथिंग। दोपहर को कुछ खाऊँगी नहीं इस वजह से, और मेरा हालत भी देखिए ना क्या हो गया है। चलिए शुरू शुरू ठंडा पड़ रहा है, और यहाँ पर ना पापा ही ने तो कुछ दिन पहले ट्रंक खोला था अपना, तो वहाँ से एक लेप निकला है, उसी लेप को मैंने आज निकाला है अपने लिए। तो चलिए, घर कैसा फाका फाका लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। एनीवेज अगर तबीयत ठीक रहा तो हम लोग चंदनगर भी जा सकते हैं जगदत्ती पूजा के लिए, अगर तबीयत ठीक रहा तो। अदरवाइज मैं बोल नहीं पाऊँगी। तो चलिए फिर शाम को मैं आप लोगों से बात करूँगी, ठीक है। सो बाय फॉर नाउ। हाय, सोची थी कि थोड़ा सा सोऊंगी, लेकिन सोना नहीं होगा। ये सब जो मैंने लगाया है ना, टूनी डूम वगैरह, ये सब खोलना है। अब बुक करते करते कितना टाइम हो जाएगा। चलो ये सब काम कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल एनर्जी नहीं है, तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है। अभी मुझे मम्मा चाहिए, इतनी बड़ी हो गई अभी भी मुझे मम्मा चाहिए। सो चलिए, ये साड़ी निकाला है मैंने, ये मम्मी जी का साड़ी है, वो अभी पहनेंगी नहीं इस वजह से ये मुझे दे दिया। मैं कितना साड़ी कहाँ रखूँ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं भी तो साड़ी नहीं पहनती ना, कोई ओकेजन नहीं होता तो। सो चलिए फिर थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी, पहले ये सब काम ख़त्म कर लूँ, ठीक है। चलो बाय फॉर नाउ। और यहाँ पर भाई आए थे ना, तो मेरा कंप्यूटर ना हैंग कर रहा था। वो कंप्यूटर के सीपीयू में हो जाता ना, सीपीयू के प्रोसेसर में ऐसे क्या बोलते हैं उसको, धूल जम गया था। तो उन्हें पूरा सुंदर से साफ करके मुझे चकाचक करके दे दिया, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। नहीं तो ना कंप्यूटर चलने में, मतलब वो प्रोसेसर ऐसे रन होता है ना, मतलब जो फ़ैन होता है ना, वो फ़ैन जब घूमता है अच्छी तरह से, अगर ना घूमे तो ये चलता नहीं है। तो वो अटक जा रहा था, इस वजह से ये ऑन नहीं हो रहा था। तो अभी ठीक तरीके से ऑन हो रहा है। तो ये सब काम करके वो एक दिन के लिए, एक रात के लिए आया था, रात को आया था, फिर सुबह सुबह चला गया। थोड़ा और रहता तो अच्छा होता। चलो फिर थोड़ी देर बाद, कितनी बार बोल रही हूँ मैं, थोड़ी देर बाद बात करूँगी। और एक चीज़ दिखाऊँ मैं, फिर से देखिए, ये देखिए यहाँ पर इसका, यहाँ का हालत दिख रहा है। ये यहाँ पर मैंने जो घर से सामान लाई थी वो यहाँ पर ऐसे ही रख दिया है दो दिन से। तो मैंने दिवाली के पिछले दिन, फिर काली पूजा के दिन, दिवाली के दिन, भाईपोटा के दिन, चार दिन पौर, मतलब एक के बाद एक लगातार ब्लॉग दिया है। तो इस वजह से दो दिन ब्लॉग नहीं दूंगी। तो आज तो वेनसडे है, ये ब्लॉग जाएगा थर्सडे को। मैं घर वापस आ गई थी, संडे को ही मैं घर वापस आ गई थी। चलिए फिर मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से बात करती हूँ, या शाम को बात करूँगी, ये सब कर लेती हूँ। बाय बाय। हेलो, सो अभी 7 बजे हैं और मैं अभी थोड़ा सा गर्म पानी पी रही हूँ। ये कप है ना, ये सुंदर सा कप है, ये कप पियाली ने जॉय को दिया है, और भाई एज अ भाई पोटा गिफ्ट। और आप लोगों को तो पता ही है ना कि जॉय ने गिफ्ट क्या दिया है, तो वो भी वो कस्टमाइज मग एंड कैश दिया है। तो ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से बात करूंगी। मेरे हस्बैंड हाई बोल दो, जॉय। सो चलिए थोड़ी देर बाद मैं आफ्टर डिनर आप लोगों से बात करूंगी। हेलो, सो तबीयत थोड़ा सा ठीक हुआ है, मैंने गर्म पानी से भाप लिया है, फिर दवाई खाई है, इस वजह से ठीक लग रहा है।
तो डिनर लेके मैं आ गई हूँ, ऊपर ही का डिनर कर लूँगी। 10:30 बज गए हैं तो मैं डिनर दिखा देती हूँ, एक मिनट। सो ये देखिए मेरा डिनर, रोटी, ये एक सब्जी है और ये है अंडा। सो अभी मैं अपना डिनर एंजॉय करूँगी और वहाँ कंप्यूटर पे मैंने द प्रॉमिस, ये एक टर्की सीरीज है, वो लगाया हुआ है, वो ही देख रही हूँ। 3 चल रहा है, ये एक बार कंप्लीट हो जाए, बहुत बड़ा सीजन है, मतलब टोटल 376 एपिसोड्स है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। सीरियल बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है हद तक, और लड़की तो इतनी सुंदर दिखने में है कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन बहुत स्लो सीरियल है, इतना स्लो है, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, 4 में एक बार बात करती है वो लड़की, और इतना स्लो है, कभी कभी देखने में बहुत परेशानी होती है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है। और अगर चाहे तो आप लोग देख सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा डे ड्रीमर लगा, टू मच फन वाला। सो चलिए फ्रेंड्स, तो मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर देती हूँ और लंबा खींचूंगी नहीं, मैं अपना डिनर कर लूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।